नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज की चर्चा का विषय है गुरु का वक्री होना और उसका प्रभाव सभी लग्नों पर। यहां तीन अलग अलग चीजें एक साथ हो रही हैं। मैं चाहता हूं आप सभी उस संबंध में जानकारी लें कि एक की गुरु नीच राशि में है पर नीच भंग हो रहा है, पहला पॉइंट। गुरु वर्गोत्तम है, दूसरा पॉइंट। और गुरु वक्री हो रहे हैं, तीसरा पॉइंट। क्योंकि विषय फिर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए सिर्फ वक्री पर चर्चा करूंगा। नीच भंग को समझने के लिए आप चाहें तो मैं एक वीडियो पहले ही बनाकर अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और वर्गोत्तम का क्या अर्थ है और कैसे प्रभाव करता है इसका भी मैं एक वीडियो पहले बनाकर अपलोड कर चुका हूं और इसे भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये दो लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। तीसरा वक्री, अब इसमें भी दो अलग अलग बातें यहां पर हो रही हैं। पहली बात यह है कि ये जो ग्रह है मीन में और मकर राशि में ये वक्री होना शुरू करेंगे गुरु, और वक्री होते 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 अपनी राशि ही बदल देंगे और ये राशि बदल करके धनु राशि में चले जाएंगे। तो दो जो डेट्स हैं वो ये हैं 14 मई 2020 से 13 सितंबर 2020 तक कुल वक्री रहेंगे, लेकिन 14 मई 2020 से 30 जून तक मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद ये धनु राशि में चले जाएंगे। आज का ये जो वीडियो है ये केवल तब तक के लिए है जब तक वो मकर राशि में रहेंगे, यानी 14 मई से 30 जून तक। और एक साथ इन पर ये तीनों बातें लागू हैं, नीच राशि में है, नीच भंग हो रहा है, वर्गोत्तम है और वक्री है। तो तीनों का मिला जुला प्रभाव क्या होगा मैं इसी के संबंध में ये चर्चा कर रहा हूं। आप सभी इसे अपनी लग्न के हिसाब से देखें क्योंकि मैं सारी प्रेडिक्शंस लग्न के हिसाब से करता हूं, राशि के हिसाब से नहीं। ये सिर्फ एक गोचर का प्रभाव है जिसका असर तभी तक होगा जब तक कि ये डेट्स जो आपको बताई गई वहां तक, उसके अलावा नहीं फर्क पड़ता। सभी की अपनी परमानेंट जन्म कुंडली अलग होती है और सभी का उस कुंडली में और स्टार्स की स्थितियां क्या है इसी हिसाब से असर पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गोचर का प्रभाव नहीं होता, होता है, पर एज इट इज ज्यों की त्यों सारी बातों को समझ लेना उचित नहीं। पर हां, 80-90% तक ये बातें आप पर लागू होती हुई, आप पर फिट आती हुई दिखाई दे सकती हूं। मैं वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा टाइम स्टैम्प मैंने बना दिया है जिससे प्रस्तावना कितनी दूर बढ़ी है और टाइम हर एक लगन कितने मिनट पर शुरू है वो पता चल जाएगा आपको। इससे एक लाभ ये होगा कि आप सिर्फ अपनी लगन को देखना चाहें तो देख सकें, आपका समय बर्बाद ना हो। मेरा समय कीमती है तो आपका भी बहुत कीमती है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें अपनी कुंडली को दिखाने या कुछ बात करने के लिए तो उसके लिए कुछ फीस देकर आप हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9582113929, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए जिससे कि इस वीडियो को आगे बढ़ने और फैलने का मौका मिले, मुझे भी लाभ हो और जिनको आप देंगे उन्हें भी लाभ हो। तो अब शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम मेष लग्न के साथ। मेष लग्न की क्या स्थिति है कि गुरु दशम भाव में बैठे हैं। गुरु की तीन मुख्य पूर्ण दृष्टियां होती हैं, पांचवें घर पर, सातवें घर पर और नौवें घर पे। पांच, सात और नौ, उसकी तीन मुख्य दृष्टियां। तो उन दृष्टियों का असर कैसे होता है कि कहां बैठा है, किस घर को देख रहा है, उसके साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध है या नहीं, तो ये सभी छोटी छोटी बातें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो दशम भाव में बैठे हैं इसलिए अच्छे हैं और मेष लग्न के लिए गुरु कारक हैं, कारक हैं इसलिए शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। लग्न के साथ उनकी मित्रता है, भाग्य के स्वामी बनते हैं। लेकिन क्योंकि वो नीच में है और नीच में जाने के बाद भी वो वर्गोत्तम भी है, प्लस नीच भंग भी हो गया, प्लस वक्री भी हो गए, तो वक्री ग्रह, जो भी वक्री ग्रह होता है वो अधिक बलवान हो जाता है। अब शुभ है
तो शुभता बढ़ गई, अशुभ है तो अशुभता बढ़ गई। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बात को समझने का। मैं आपका मित्र हूं, आपके घर लौटकर आया हूं तो आपके लिए शुभता बढ़ी। मैं आपका शत्रु हूं, आपके घर लौटकर आया तो आपकी अशुभता और बढ़ी, क्योंकि मेरे आने से आप तनाव में आए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो मेष लग्न की स्थिति यह रहेगी कि भाग्य की स्थितियां थोड़ी सी ठीक होंगी, यहां पर भाग्य थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ से संबंधित मुद्दों में थोड़ी राहत आती दिखाई देगी। कुटुंब जनों के साथ तालमेल, बोली भाषा, आपका ज्ञान, किसी भी बात को इंप्लीमेंट करने की सामर्थ्य बढ़ेगी, इसका आपको लाभ होगा। चौथी, पूर्ण उच्च दृष्टि से देखने के कारण मकान, वाहन, मां, सुख, मन की खुशियां, मन का आनंद, इन सभी चीजों पर जबरदस्त फायदा आपको होता हुआ दिख सकता है। आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। शत्रु के घर पर, छठे घर पर दृष्टि पड़ने के कारण क्या असर आएगा कि शत्रुओं पर मित्र दृष्टि है, वहां पे खराब स्थिति नहीं है, तो शत्रुओं पर भी अपने दबदबे से, अपने बौद्धिक सामर्थ्य के कारण आप लाभ लेने में कामयाब हो जाएंगे। खर्चे थोड़े ज्यादा रहेंगे, ये चीज समझने में देखने की आएगी, तो थोड़े खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन कुल मिलाकर मेष वालों के लिए गुरु का इस तरह से नीच में जाना और ये वक्री होना शुभ है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही स्थिति है। तो अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए गुरु अकारक होते हैं, पर हमारे देश की लग्न भी वृषभ है, ये बात भी समझ लीजिए। तो गुरु वहां अकारक है, अकारक होने के कारण शुभ फल देने वाले नहीं है, ये बात पहले से तय हो गई। अब वो वक्री हो गए तो उनकी अशुभता और अधिक बढ़ गई, और अधिक बढ़ने से क्या चीजें हुई कि जमा पूंजी को दिक्कतें आएंगी, तनाव बढ़ेगा, आमदनी को तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य की दिक्कतें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये स्थिति 30 जून तक है, बस ये बात जरूर याद रखिएगा। तो स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी खराब होगी, लेकिन एफर्ट्स, कर्म, कोशिश और प्रयास, भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां सुधरेंगी। आपके किए हुए प्रयासों से, इस झंझट से, तनाव से बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष को थोड़ा तनाव देखने में आएगा, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा नुकसान देखने में आएगा, कुछ फैसलों की गलतियां देखने में भी आएंगी, तो इन चीजों को आपको सावधानी से समझना है। तो क्या टोटल निकला, भाग्य की स्थिति थोड़ी खराब हो रही है, पिता के साथ तालमेल की स्थिति थोड़ी खराब हो रही है, आमदनी की दिक्कत आ रही है, जमा पूंजी की दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सिर्फ छोटे भाई बहनों से तालमेल, कर्म, आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स, ये इंप्रूव हो रहा है, और संतान को कुछ कष्ट है। लमसम अगर बात को लें तो वृषभ लग्न के लिए ये स्थिति बिल्कुल शुभ नहीं है, इसका कुछ ना कुछ नुकसान है। किन किन पॉइंट्स पर, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। मिथुन लग्न की स्थिति यह है कि यहां भी गुरु कारक नहीं है। अब गुरु कारक नहीं है और बैठा भी अष्टम भाव में, मृत्यु के घर में चला गया। अष्टम भाव को यानी जमा पूंजी, आपकी उम्र, आपके स्वास्थ्य, आपको को तनाव देगा। कुछ यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी देखने में आ सकती हैं, थोड़ी बहुत स्टोन प्रॉब्लम भी कभी कभी देखने में आती है। वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब होगी, आपका जीवन स्तर, आपका सोशल इमेज पर थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपदा, भाई बंधुओं के साथ तालमेल, कुटुंब से स्थितियां थोड़ी एवरेज एवरेज रहेंगी, बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। खर्चे, यहां पर स्थिति जो बनेगी वो ये कि आपके जो एडिशनल खर्च हो रहे हैं थोड़े से घटेंगे, मतलब रुपया पैसा अधिक बर्बाद नहीं होगा, थोड़ा बहुत इलाज में जरूर खर्च होगा, इसको याद रखिएगा। और सुखों के घर पर भी कोई विशेष लाभ नहीं, कुल मिलाकर ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो मिथुन के लिए बड़ा शुभ हो। तो ये भी थोड़ा तनाव ही देगा, आपको उसके लिए तैयारी रखनी है, मानसिक ताकत रखनी है, क्योंकि कोई भी समस्या मानव जीवन को इतना बुरी तरह आहत नहीं कर सकती कि हम डिस्टर्ब हो जाए। सिर्फ 1.5 महीने की बात है, थोड़ा संभालिए। कर्क की बात करते हैं, कर्क लग्न के लिए गुरु कारक होते हैं, बड़ी अच्छी स्थिति रहती है। अब सप्तम भाव में बैठे हैं, सातवें भाव में बैठे हैं और खराब स्थिति में बैठे हैं, तो वैवाहिक जिंदगी को तो थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, पर आपकी सेहत, आपकी सुंदरता, आपका प्रयास, आपकी जो एक इमेज होती है उसको इंप्रूव करेंगे, आमदनी को भी इंप्रूव करेंगे, आपके एफर्ट्स, आपके रिजल्ट्स, आपके छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियों को इंप्रूव करेंगे। शत्रु पक्ष थोड़ा हावी होगा, या वैवाहिक जिंदगी में पत्नी शत्रु जैसा कुछ रोल अदा कर सकती है, या शत्रुओं के प्रभाव के कारण तनाव महसूस हो सकता है, आप इसे थोड़ी बहुत बीमारियों का प्रेशर भी लेके चल सकते हैं। तो लमसम बहुत अच्छा है,
इनकम इंप्रूव हो रही है, भाग्य इंप्रूव हो रहा है, आपके वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी सी दिक्कत है, कर्म करने की कोशिशें ठीक हो रही है, ये स्थितियां बिल्कुल ठीक है। तो कर्म के लिए लगभग 90% ठीक है, थोड़ा हेल्थ का और वैवाहिक जिंदगी को संभालने की आवश्यकता है। सिंह लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न के लिए भी गुरु कारक नहीं है। अर्थ क्या निकला कि ऐसा लगभग एक भी पॉइंट यहां देखने में नहीं आएगा जहां वो शुभता देते हो। जमा पूंजी खर्च होगी, इलाज में पैसे खर्च होंगे, किसी को देंगे तो वापस आने की उम्मीद थोड़ी कम है, शत्रु आप पर हावी होंगे, हेल्थ की दिक्कतें आपको देखने में आएंगी, खर्चे आपके होंगे, डॉक्टरों पर आपके चक्कर लगेंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ आपके तालमेल में दिक्कतें देखने में आएंगी, संतान को आपको दिक्कत देखने में आएगी, पढ़ाई लिखाई की दिक्कतें आपको आएंगी, कुछ डिसीजन की गलतियां भी आपको देखने में आएंगी। कुल मिलाकर ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो ये कहा जाए कि गुरु का ये गोचरीय प्रभाव आपके लिए शुभ होगा, नहीं होगा, बड़ी ईमानदारी की बात। तो क्या करना है, सिंह लगन वालों को भी अपनी मानसिक शांति को इकट्ठा करना है, मजबूत होकर चलना है, अन्यथा ये एक डेढ़ महीने का जो समय है आपको कष्ट दे सकता है, तो ये बिल्कुल शुभ नहीं है, ख्याल रखिएगा। गुरु की बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न में जो गुरु की स्थिति है वो पंचम भाव में आएगी। यहां गुरु कारक नहीं है पर प्लेसमेंट वाइज, क्योंकि वो दो केंद्र अधिपति दोष, कोई भी ग्रह जब एक साथ दो केंद्रों का स्वामी हो तो उसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं, लेकिन इसके बाद वो बैठा है पंचम में लेकिन चला गया नीच राशि में, तो यहां ये अधिक कारक नहीं गिना जाएगा। पर संतान को थोड़ी दिक्कतें दे रहा है, आपके डिसीजंस को थोड़ी दिक्कत दे रहा है, पढ़ाई लिखाई को थोड़ी समस्या दे रहा है, पर आमदनी के जबरदस्त अच्छी संभावनाएं बढ़ाएगा, इनकम इंप्रूव होगी, भाग्य की स्थितियां थोड़ी सी इंप्रूव होंगी, सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपके काम करने का अंदाज इंप्रूव होगा, वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब होगी। तो वैवाहिक जिंदगी को तनाव आ रहा है, वाइफ के साथ एडजस्टमेंट की दिक्कतें कह लीजिए या उनका स्वास्थ्य को दिक्कत कह लीजिए, संतान के स्वास्थ्य, संतान से तालमेल, पढ़ाई लिखाई की समस्याएं, कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजन की गलतियां देखने में आएंगी। इनकम इंप्रूव होगी, सेहत इंप्रूव होगी, रुतबा इंप्रूव होगा, इन मुद्दों पर आपको यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, आप मिक्स मान लीजिए, 50% बढ़िया 50% खराब, तो बहुत अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं। तुला लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न के लिए भी गुरु कारक नहीं है, यानी बहुत सफल देने वाले यहां पर नहीं बनते। तो जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि सुखों के घर को खराब कर रहे हैं, माता जी के साथ तालमेल को खराब कर रहे हैं, आपकी पब्लिक इमेज को थोड़ा सा खराब देखने में आएगा, आपके प्रयास, आपके भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी खराब होंगी, शत्रु आप पर फिजूली हावी होंगे, तो शत्रुओं के हावी होना भी अपने आप में एक समस्या देखने में आएगी। तो शत्रु हावी होंगे, सुख थोड़े से कम होंगे, मां के साथ तालमेल की स्थितियां खराब होंगी, पर जमा पूंजी बढ़ने का, उम्र बढ़ने का, बीमारी में राहत आने का योग बनेगा, थोड़े खर्चे ज्यादा हो सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, पर स्टेटस, पोजीशन, रुतबा, ये सब चीजें बहुत इंप्रूव होंगी। कंसील कर लेते हैं, दोबारा से सारा जोड़ देते हैं एक साथ, हमने क्या कहा एक एक करके, कि आपकी भाई बहनों से तालमेल, आपके एफर्ट्स थोड़े खराब होंगे, सुखों की स्थितियां खराब होंगी, मां से तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी खराब होंगी, शत्रु आप पर थोड़े से हावी होंगे, बीमारी थोड़ी हावी होगी लेकिन आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, जमा पूंजी बढ़ेगी, सेहत के इंप्रूव मतलब बीमारी आएगी पर आप उससे ओवरकम कर सकेंगे, स्टेटस, रुतबा, पोजीशन बढ़ेगा, सरकार से संबंधित मिलने वाले लाभ बढ़ेंगे, कुछ ऐसा काम जो गवर्नमेंट से संबंधित था आपको फायदा देगा, खर्चे भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, थोड़े से होंगे पर कंट्रोल में। तो कुल मिलाकर तुला लग्न वालों के लिए ये 50% पे है, न बहुत खराब है न बहुत अच्छा है, एक एवरेज है स्थिति। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न के लिए स्थितियां शुभ है, एक तो कारक भी है और प्लेसमेंट वाइज भी उसमें कोई तकलीफ नहीं है, तीसरे घर में बैठे हुए सारे ग्रह लगभग अच्छा सब ही करते हैं, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो क्या फायदे देगा, आपके कुटुंब, आपकी बोली भाषा, आपके ज्ञान को तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, आपकी जो वाइफ की स्वास्थ्य यानी वैवाहिक जिंदगी को माइनर डिस्टर्बेंसेस भी देखने में जरूर आएंगे, लेकिन संतान की स्थितियां इंप्रूव होंगी, उन्हें फायदा होगा, तो संतान की स्थिति, ज्ञान की स्थिति, पढ़ाई लिखाई की स्थिति, आपका भाग्य, पिता से आपके तालमेल, ये सभी चीजें इंप्रूव होंगी, आमदनी इंप्रूव होगी। कोई भी ऐसा एक पॉइंट यहां वृश्चिक के लिए एकदम से नहीं आ रहा जो बहुत खराब दिखता है, थोड़ा बहुत कुटुंब वालों के साथ तालमेल की दिक्कतें आएंगी या वाइफ की माइनर सेहत, तो मेरे तरफ से 90% ये स्थितियां वृश्चिक वालों के लिए शुभ है, लाभकारी है, अच्छी है, धन देने वाली है, स्वास्थ्य देने वाली है, आनंद देने वाली है।
धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में तो वो स्वयं लग्न के स्वामी है इसलिए कारक है, पर प्लेसमेंट वाइज स्थिति बिल्कुल खराब है क्योंकि लग्न का स्वामी नीच में चला गया। ठीक है, तो स्थिति क्या बन रही है कि जो धनु के लिए जो एक हम योग की बात करें, दूसरे घर में जाने के कारण हमारी बोली भाषा व्यवहार हमारा अंदाज फैमिली के मेंबर्स के साथ हमारी ट्यूनिंग कुटुंबजनों से तालमेल की स्थितियां ये खराब होंगी, थोड़ी सेहत खराब होगी क्योंकि लग्नेश यहां पे वीक हो जाता है। शत्रुओं पर हमारा दबदबा बन सकता है, ऐसे काम जो हमारे ध्वंस हमारी एफर्ट्स हमारी इमेज हमारे दबदबे से बन सकते हैं वो बढ़ेंगे। हेल्थ इंप्रूव होगी, अगर हेल्थ को कोई समस्या इंप्रूव होगी, जमा पूंजी बढ़ेगी, यात्राओं के मौके मिल सकते हैं, स्टेटस इंप्रूव होगा, राजकीय काम गवर्नमेंट से संबंधित कुछ कामों में भी आपको यहां फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर क्या स्थिति आई, 70-80% स्थिति बहुत शुभ है, बहुत अधिक फिक्र करने लायक यहां पे बात नहीं है। मकर की बात करते हैं, मकर लग्न के लिए कारक नहीं है तो खराब और प्लेसमेंट वाइज भी खराब, लग्न में ही कोई ग्रह अगर कमजोर हो जाता है तो पूरी की पूरी कुंडली को डिस्टर्ब करता है। क्या डिस्टर्ब कर रहा है इन्होंने, आपकी सेहत को, आपके व्यक्तित्व, आपकी इमेज खराब करें, आपकी संतान पढ़ाई लिखाई फैसले लेने की सामर्थ्य गड़बड़ हुई क्षमा आपके एफर्ट्स को खराब कर रहे हैं, आपके भाई बहनों से तालमेल को खराब कर रहे हैं, ये दिक्कतें भी देखेंगे। लेकिन जो लाभ हो रहा है वो भाग्य की तरफ से आपको सपोर्ट देगा, वैवाहिक जिंदगी को बहुत अच्छा करेगा, पत्नी का या वैवाहिक जिंदगी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और खर्चे जो हैं आपके कम होंगे। तो खर्चों को थोड़ा संभाला, भाग्य को थोड़ा इंप्रूव करा, भाई बंधुओं से संबंध की स्थितियां थोड़ी सी देखने में दिक्कत आई, ले देकर अगर जो कुछ फायदा हुआ है तो वैवाहिक जिंदगी में सुख की स्थिति बन रही है थोड़ी भाग्य की। 70% खराब है लेकिन 30% गुंजाइशें भी हैं एक जनरल एनालिसिस के साथ। कुंभ लग्न की बात करते हैं तो कुंभ लग्न के लिए भी गुरु कारक नहीं है और प्लेसमेंट वाइज भी 12वें घर में बैठे हुए हैं और गोचर में वैसे भी 4th, 8th, 12th जो ग्रह जाते हैं वो शुभ फल देने वाले नहीं होते। तो खर्चे बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, इनकम की प्रॉब्लम बढ़ेगी, यानी इनकम कम होगी तो तनाव बढ़ेगा। पैतृक संपदा के सुखों को लेकर दिक्कतें देखने में आएंगी, बोली भाषा को लेकर दिक्कत देखने में आएगी, सुखों को भी थोड़ी सी दिक्कत देखने में आएगी, बेमतलब के खर्चे होंगे, मां के इलाज के साथ भागदौड़ के साथ मकान से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ तनाव देखने में आ सकते हैं। ले देकर एक फायदा होगा कि शत्रुओं पर कितना भी प्रॉब्लम आए विजय प्राप्त होगी, हेल्थ का मामला बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, शत्रु अगर खड़े भी होंगे तो उनसे ओवरकम किया जा सकेगा, कोई कर्ज की स्थिति नहीं बनेगी, अगर कर्ज है तो उतारा जा सकेगा। उम्र को लेकर के 6 स्थितियां कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी अर्न करने का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर 70% खराब है, 2-1 पॉइंट फिर भी अच्छे हैं, काम चल जाएगा। मीन लगन जो हमारी आज की आखिरी लगन है, मीन लगन के लिए स्थिति है कि कारक है और प्लेसमेंट वाइज 11वें घर में, जनरली 11वें घर में बैठे हुए सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। तो हमारे कर्म हमारे एफर्ट्स हमारे व्यवहार हमारे भाई बहनों से तालमेल की स्थिति संतान हमारा ज्ञान हमारी पढ़ाई लिखाई इस सब चीजों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। वैवाहिक जिंदगी की स्थितियां बिल्कुल ठीक है, मकान स्टेटस रुतबा बिल्कुल ठीक है, ऐसा एक ही लेने के पॉइंट है, थोड़ी सी इनकम में संघर्ष देखने में आएगा, आमदनी में थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, इसके अलावा लगभग लगभग मीन के लिए सारी स्थितियां बिल्कुल ठीक है। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इसके संबंध में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें या ये कार्यक्रम का कोई ऐसा बिंदु जो छूट गया है और आप मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाएं, जरूर पूछें, जितना मुझसे संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।